दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आपका दोस्त आपको एक बार फिर नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल में देखो पहाड़ में। तो दोस्तों, आज आ रहे हैं हम कुटेटी देवी और मैं आ रहा हूँ आजकल उत्तरकाशी अपने दोस्त के यहाँ। कुछ काम था मेरा, काम तो हमने निपटा दिया है, ठीक है। तो आज ऐसी प्लान किया हमने, बोला कुटेटी देवी चलते हैं। और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ उत्तरकाशी का, काफ़ी बड़ा नाम, ठीक है। मैंने अक्सर कर अपने दोस्तों को ब्लॉग में देखा था, और जो कि मेरे दोस्त उत्तरकाशी से हैं वो काफ़ी वीडियो बनाते रहते हैं यहाँ के। तो मैंने बोला क्यों नहीं हम भी देवी के दर्शन करते हैं, और थोड़ा मेरा मंदिर के प्रति झुकाव ज़्यादा है देवताओं के प्रति। तो मैंने बोला क्यों नहीं आज चलते हैं मंदिर। तो आज जस्ट अपने फ्रेंड लोग ही जा रहे हैं, जैसे कि बगल में हमारे साथ संजय भाई हैं और संजय भाई के दोस्त, और पीछे से भाई लोग भी आ रहे हैं हमारे साथ जो कि इस सफ़र में हमारा साथ देंगे। और अभी जा रहे हैं हम कुटेटी, अभी रास्ते में ये पीछे से उत्तरकाशी व्यू, और यहाँ से निकलते हैं कुटेटी में। फिर मिलते हैं आपके साथ, ये जर्नी शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों, काफ़ी मज़ा आ रहा है चढ़ के, काफ़ी सीढ़ी हमने चढ़ चुकी है। आप रोज 50 क्रॉस तो कर ही लिया होगा। और मैं आपको थोड़ा बता दूं, क्योंकि ये मंदिर उत्तरकाशी से 1 किलोमीटर ऊपर है, हम तो अभी शॉर्ट ले रहे हैं इसलिए सीढ़ी सीढ़ी दिखने को मिल रही होगी आपको। बट अगर आप मोटर वाले रास्ते से आओगे तो 1 किलोमीटर आप रोज आपको पड़ ही जाएगा। आना जरूर, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। संजय भाई कैसे, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल भाई, मज़ा आ रहा है। संजय भाई, कभी सोचा आपने आपको कभी हमारे ब्लॉग में आने का मौका मिलेगा? आज मौका मिल गया भाई, पहली बार, क्या बोल सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज मैं मतलब उत्तरकाशी में संजय भाई के रूम पे, जो कि हमारे क्लासमेट रहे हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं हमारे। ये मैथ वाले थे, हम बायो वाले थे, बट काफ़ी अच्छी इनसे दोस्ती है हमारी, इसलिए हम आते रहते हैं इनके दोहरे ट्रिप। आज हमने बोला कुटेटी देवी के दर्शन जरूर करते हैं। मैंने सुना था ना दोस्तों, कभी ये लोग तो जाते, ये तो जाते रहते हैं। मैंने स्टेटस वगैरह में बोला चलो यार आज मंदिर के दर्शन कर ही लेते हैं, तो चलेंगे। जो कुछ मंदिर के बारे में आपको बता रहे हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और फिलहाल यहाँ से अभी चिन्याली के नाम आ रहे याद, उत्तरकाशी का व्यू आपको दिखा दूँ, काफ़ी गजब आता है यहाँ से, जो कि आपको रील्स में लेगी देखने को। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर देना। तो फाइनली गाइस, तो पहुंच ही गए अपनी डेस्टिनेशन में। ये रहा कुटेटी देवी का मुख्य द्वार। तो यहाँ से हम घंटी बजाते हुए चले हैं। तो काफ़ी रमणीय नज़ारा है संजय भाई, काफ़ी रमणीय नज़ारा। प्योर हिंदी भाषा में हम आपको बताएंगे। फाइनली गाइस, लुढ़कते लुढ़कते पहुँच ही गए माँ कुटेटी देवी के द्वार पे। तो ये रहा, यहाँ पे काम भी चल रहा है, इसका सौंदर्यकरण चल रहा है अभी। तो काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं यहाँ से, मतलब अलग ही वाइब्स आ रही है यहाँ पे, क्या ही बोलें। अब थोड़ा बहुत हमने सिर पर लाया था, उसको फोड़ेंगे ओ भाई, और फिर दिखाते हैं आपको मंदिर फ्रंट से अच्छी तरह से। आपको 2-3 सिनेमैटिक शॉट दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको
अभी हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे थोड़ा बहुत मंदिर के बारे में थोड़ा पूछेंगे, मतलब स्थापना क्यों और कैसे है। तो सबसे पहला ये जो माता है, मेरा नाम संतोष लोटिया पुजारी यहाँ का, और माता जो है ये राजस्थान कोटा से आई हुई थी, राजस्थान कोटा से आई हुई, तो इसका नाम कुटीटी नाम पड़ा है। है राय राजस्व दुर्गा रूप है, सिद्धपीठ है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। तो पहले भाषा में लोग बोलते हैं कोटा की देवी, कोटा की देवी, कुटीटी नाम से ही ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गई यहाँ पर। कुटीटी कोई अवतार नहीं है बल्कि है, तो वहाँ उस नाम से यहाँ आई, इसलिए उसका नाम कुटीटी नाम पड़ा है, राय राजस्व दुर्गा रूप। मतलब अभी कितना साल हो गया? ये तो बहुत पहले की बात, जब राजाओं का ऊपर वहाँ से ऊपर लोग भाग के आए थे, राजा लोग, जो राजा लोग की देवी थी वहाँ, राणा लोग थे वहाँ, राजस्थान से भाग के आए थे वो, जब वहाँ नीचे जो आक्रमण हुए थे मुस्लिम शासकों के, तो लोग भाग के आए थे ऊपर। अच्छा। बताते हैं कि उत्तराखंड में जो हम लोग जितने भी हैं ऋषिकेश से ऊपर, सर वो राजस्थानी मूल के। जब नीचे उत्पीड़न हुआ था हिंदुओं का ना, जब मुस्लिम शासक हुआ, तो लोग भाग के आए थे ऊपर, उन्हीं में से एक राजा लोग थे, राणा लोग, इनकी एक कुल देवी थी वहाँ पर। तो कुल देवी जब ये वहाँ पर यहाँ पर आ गई, कुल देवी वहीं छुड़ गई, तो ये सपने प्रकट हुई थी। तो ये तीन जो पिंड रूप ऊपर है ना, तीन मीन पिंडी ऊपर पत्थर के छोटे छोटे जो तीन बीच में, उसमें प्रकट हुई थी भगवती। तब से वो तीन रूप जो है ये भगवती है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली। तो जैसे कि यहाँ उपजाऊ है ना, तो सबसे पहले आए होंगे किसी पे दर्शी देवी होगी अपनी, उन्हीं राणा लोग पे आई थी, उनकी कन्या थी एक ना। तो मतलब बता रहा हूँ ये तीन जो पिंड रूप दिए थे लोगों ने दर्शन, धन्यवाद, राणा लोग थे। धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना अमूल्य समय हमें दिया, इससे हमें जानकारी मिली और हमने जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं वो भी आपके थ्रू इनको थोड़ा बहुत जानकारी, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पुजारी के माध्यम से यहाँ के बारे में आपने देखा, और यहाँ से थोड़ा मंदिर की परिक्रमा लेते हैं, जो कि आपको दो तीन शॉट मैंने दिखा चुके हैं मंदिर के, और काफ़ी अच्छा मंदिर है यहाँ पे। जैसे कि आपने सुना पंडित जी से पूरे मंदिर के व्याख्यान, तो ये एक दूसरा मंदिर है यहाँ से पीछे से, जस्ट इसी के बगल में है मंदिर। तो दोस्तों, मंदिर से अलविदा लेने का समय आ चुका है, माँ से हम अलविदा लेते हैं, और आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, कैसे लगा आज का जर्नी आपको? बहुत बढ़िया, ठीक लगी? बहुत अच्छा लगा माँ से दर्शन करके, मतलब अलग ही वाइफ आती है जब मंदिर वगैरह में जाते हैं। मेरा झुकाव कुछ ज़्यादा ही है भगवानों को पड़ती, तो मैं जाते रहता हूँ, जैसे कि आप चैनल पर देखते ही होंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और मजे में रहना, ठीक है? तब तक के लिए बाय, सी यू, बाय।